नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में खेती किसानी संबंधी उपयोगी और जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। कदन की प्रसंस्करण योग्य किस्मों की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु व सीमांत किसानों के बुढ़ापे का सहारा। किसान रेल से उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा फायदा। सरकार का आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका को प्रोत्साहन। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और प्रसंस्करण के जरिए निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने ICAR के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे निर्यात की संभावनाओं तथा किसानों की आय को बढ़ावा मिलने की संभावना है। आइए लेते हैं इस बारे में और अधिक जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट में। MOU का प्रमुख फोकस निर्यात के लिए ICAR-IIMR द्वारा विकसित कदन के प्रसंस्करण योग्य किस्मों की वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिससे उच्च पोषक गुणों वाले अनाज कदन के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। MOU में किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के साथ मार्केट लिंकेज के सृजन की परिकल्पना भी की गई है। MOU के तहत परिकल्पित लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए APDA तथा ICAR-IIMR के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। ICAR-IIMR द्वारा देश के सभी प्रमुख कदन उत्पादक क्षेत्रों में कदन उत्पादकों या किसानों की प्रोफाइलिंग तथा बीज आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा। कदन उच्च पोषक गुण वाली अनाज फसलें हैं और इन्हें छोटी बीज वाली घासों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कदन के प्रमुख किस्मों में ज्वार, बाजरा, रागी, छोटी कदन, कंगनी, बांडियार्ड बाजरा, कोदो बाजरा तथा अन्य शामिल हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आम परिषद ने कदन के स्वास्थ्य लाभों तथा वैश्विक रूप से बदलती जलवायुगत स्थितियों के तहत उनकी उपयुक्तता को बढ़ावा देने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ICAR-IIMR लगातार समस्त कदन मूल्य श्रृंखला के साथ काम करता रहा है। कई परियोजनाओं के माध्यम से ICAR-IIMR ने इन उपेक्षित फसलों के लिए मूल्य श्रृंखला का निर्माण करने तथा इस प्रकार देश में पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए कदन को पुनर्जीवित करने के लिए कई युक्तियों का संचालन किया है। कदन तथा कदन उत्पादों के निर्यात के बढ़ने की संभावना तथा सरकार द्वारा कदन क्षेत्र के विकास के लिए दिए जा रहे फोकस पर विचार करते हुए APDA कदन तथा कदन उत्पादों के संवर्धन के लिए ICAR-IIMR तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान CFTRI और FPO जैसे अन्य हितधारकों के साथ एक दीर्घ अवधि रणनीति का निर्माण करता रहा है। देश के किसानों के लिए भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जो किसानों के भविष्य के लिए बेहतरीन साबित हो रही हैं। ऐसी एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्या है ये योजना और इससे जुड़कर क्या लाभ किसानों को मिल रहा है, क्या फायदे इसके हैं, आइए जान लेते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बुढ़ापे का सहारा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये एक पेंशन स्कीम है, जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं वो इस स्कीम में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। PM किसान स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपए का लाभ उठाने वाले किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत अपने लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। PM किसान की तरह ही प्रधानमंत्री मानधन योजना भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। मानधन स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है। इसके लिए किसानों को हर महीने एक राशि का भुगतान करना होता है। PM किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े किसानों के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ना आसान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानधन योजना में PM किसान का लाभ ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाता है।
इसमें जुड़ने के लिए किसानों को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे। देश के छोटे और सीमांत किसान इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य भूमि वाले किसान ही इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। अगर लाभार्थी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन लाभार्थी की पत्नी को मिलेगी। हालांकि पेंशन राशि की रकम आधी यानी 1,500 रुपए होगी। किसान को हर महीने 55 रुपए या सालाना 660 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद वो 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ ले सकता है। और आइए अब आत्मनिर्भर भारत में आगे बढ़ते हैं। आप बता दें, भारतीय रेलवे देश की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। भारतीय रेलवे ने जबरदस्त नेटवर्क के दम पर रेल द्वारा परिवहन को प्रोत्साहित करने के साथ किसानों की आय को बढ़ाने में भी मदद की है। इसी बीच देश के लिए तत्पर भारतीय रेलवे अब उत्तर मध्य रेलवे की पहली किसान ट्रेन जो है वो आगरा रेल मंडल से शुरू होने जा रही है। आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे किसानों की उपज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए किसान रेल चला रही है। इससे किसान अपनी फसल देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचा रहे हैं और उन्हें अपनी उपज का अच्छा दाम भी मिल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से किसान रेल चलाई जा रही है। भारतीय रेलवे अपने जबरदस्त नेटवर्क के दम पर रेल द्वारा परिवहन को प्रोत्साहित करते हुए किसानों की आय को बढ़ाने में मदद कर रहा है। इस कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे की पहली किसान रेल आगरा रेल मंडल से शुरू होने जा रही है। 6 सितंबर को आगरा रेल मंडल के यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन से किसान रेल असम के लिए रवाना होगी। इस रेल के माध्यम से किसान अपनी फसल को दूसरे राज्यों में भेज सकेंगे, जिससे किसानों को फायदा भी होगा और उनके फसल उत्पाद अब देश के दूसरे राज्यों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। 6 सितंबर को यमुना ब्रिज स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस ट्रेन में अपनी फसल और उत्पादों को भेजने के लिए किसानों को किराए पर सब्सिडी भी दी जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे की ये पहली किसान रेल है जो तो ये उत्पादन अथवा अतिरिक्त उत्पादन वाले क्षेत्रों से फल, सब्जियां, मांस, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी उत्पादों सहित खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम बनाती है। परिवहन के लिए माल ढुलाई में 50% सब्सिडी दी जाती है। कम उपज वाले छोटे किसानों को भी बिना किसी बिचौलिए की सहायता से इससे लाभ मिलता है। किसान होती जिससे छोटे और सीमांत किसान भी बड़े और दूर के बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं। तो लगातार किसान रेल जो है देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और कोशिश यही कि आत्मनिर्भरता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर,
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। पोषण माह के तहत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने देश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया एवं देशभर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान व अथक मेहनत की भी सराहना की। और क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए देखते हैं। सितंबर महीने में देश भर में मनाए जा रहे पोषण माह के मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महीने भर चलने वाले पोषण माह से जुड़े समारोहों के दौरान देश के सभी जरूरतमंद जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों में विशेष रूप से पोषण वाटिका की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया और पोषण वाटिका को नए सिरे से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के संदर्भ में एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र सुनिश्चित करने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण और मिशन है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि पोषण 2.0 के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे से लैस कर उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जाएगा और महिलाओं एवं बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष बीमा योजना की भी शुरुआत की गई। इसके लिए राज्य सरकारों से आवश्यक विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया ताकि उन्हें बीमा कवर प्रदान किया जा सके। और इसी के साथ ही यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। लद्दाख में आजकल हर तरफ सुनहरे फलों से लदे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं, खासतौर पर करगिल और द्रास में भी, जहां लद्दाख की 90% खुबानी उगती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के क्षेत्र से प्राप्त खुबानी की पहली कमर्शियल शिपमेंट दुबई को निर्यात की गई। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर।
भारत सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के अपने प्रयास में निरंतर लगी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कृषि के क्षेत्र में अथक प्रयास की वजह से ही आज हमारे किसान आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं, जिसके चलते किसानों ने अपनी खुबानी की पहली खेप लेह लद्दाख से मुंबई भेजी और उसके बाद वहां से उसे दुबई निर्यात किया गया। एपिडा दुबई स्थित एक आयातक समूह के सहयोग से लद्दाख की खुबानी के लिए एक निर्यात मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। लद्दाख की खुबानी बहुत मीठी होती है और पूरी तरह से घुलने के कारण वह एक बेहतरीन स्वाद देती है। लद्दाख खुबानी की कई किस्मों का उत्पादन करता है, जिनमें से 4 से 5 किस्मों की खेती कमर्शियल उत्पादन के लिए की जाती है। एपिडा वर्तमान में लद्दाख खुबानी के ब्रांड के निर्माण में निर्यात की सहायता कर रहा है। शिपमेंट के लिए फलों को स्थानीय उद्यमियों द्वारा काटा, साफ और पैक किया जाता है, जिन्हें निर्यात मूल्य श्रृंखला की आवश्यकताओं पर एपिडा द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। लद्दाख खुबानी का ये निर्यात इस क्षेत्र से मध्य पूर्व के देशों में अन्य समशीतोष्ण मौसम वाले फलों और जैविक उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं को खोलता है। लद्दाख खुबानी की मांग ओमान और कतर जैसे मध्य पूर्वी देशों से भी बार बार आ रही है। लद्दाख से कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने से किसानों के साथ साथ उद्यमियों की आय में बढ़ोतरी होगी। एपिडा ने केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी, कृषि, वाणिज्य और उद्योग विभागों और उच्च ऊंचाई अनुसंधान के रक्षा संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है। एपिडा लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत वह सी बक्थॉन, जो विटामिन सी, ओमेगा और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है, उस पर खास जोर देगा। एपिडा ने कहा कि ये लद्दाख के उत्पादों के निर्यात की शुरुआत है। आने वाले दिनों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख से विदेशी बाजार के लिए अधिक से अधिक उत्पादों की पहचान की जाएगी। इस पहल से लद्दाख के उत्पादों की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की गारंटीड पेंशन योजना और पीएफआरडीए द्वारा प्रबंधित अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान 28 लाख से ज़्यादा नए खाते खोले गए हैं। 25 अगस्त 2021 तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों की संख्या 3.30 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। पच्चीस अगस्त 2021 तक अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल नामांकनों में से लगभग 78% सदस्यों ने 1000 रुपए की पेंशन योजना ली है। वहीं लगभग 14% ने 5000 रुपए की पेंशन योजना ली है। इसके अलावा लगभग 44% महिला सदस्य हैं और नामांकन करा रहे लगभग 44% सदस्य काफी युवा हैं तथा 18 से 25 वर्ष आयु समूह से संबंधित हैं। हाल ही में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने अटल पेंशन योजना मोबाइल ऐप और उमंग प्लेटफॉर्म पर इसकी उपलब्धता में नई खूबियां जोड़ने जैसी पहल की है। अटल पेंशन योजना FAQ में सुधार, योजना की पहुंच बढ़ाने और इसके मौजूदा एवं संभावित सदस्यों के साथ ही अटल पेंशन योजना सेवा प्रदाताओं के लाभ के लिए 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन ब्राउजर और APY सिटीजन चार्ट जारी करने जैसी नई पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समन्वय, प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में विज्ञापनों के माध्यम से योजना को लोकप्रिय बनाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे। भारत के 18 से 40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के किसी भी नागरिक को बैंक या डाकघर शाखा के माध्यम से अटल पेंशन योजना से जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर उस व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए। योजना के अंतर्गत एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है। यही
पेंशन सदस्य के जीवन साथी को मिलेगी और सदस्य व जीवन साथी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की उम्र तक जमा कुल संचित पेंशन की धनराशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाएगा। ये योजना 2066 पंजीकृत अटल पेंशन योजना सेवा प्रदाताओं के माध्यम से वितरित की जाती है, जिनमें बैंक और डाक विभाग की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। तो जाना आपने कितनी महत्वपूर्ण है अटल पेंशन योजना भी। फिलहाल आज के लिए आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें अब आप आत्मनिर्भर भारत को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर ये सारी जानकारी आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकेंगे कहीं भी कभी भी। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कौन सा एक अनुभव जो आप शेयर करना चाहते हैं जहां आपको लगता है कि